हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी से, यानी कि दी महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से पीएचडी के में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल, फॉर्म कहाँ फिल करना है, कैसे फिल करना है, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन में इन्होंने ये क्लियरली बताया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है, यानी कि पीईटी बोलते हैं इसको, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेट, तो ये आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन, ये आपका होगा 7 अगस्त 2022, यानी कि 7 अगस्त 2022 को आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पीएचडी का। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा, petmsubaroda.in। एंड द ऑनलाइन फीस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 1/7/2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर के 15 जुलाई 2022 तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है। तो हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और हमें मिली है। 11th पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 7 अगस्त, यानी कि इनका ये 11वीं बार जो है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। पेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वडोदरा सेंटर्स ओनली, मतलब कि ये आपका वडोदरा में ही जो है इसका एग्ज़ाम होगा, आप चाहे कहीं भी रहते हो इंडिया में। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म में देखिए सबसे पहला स्टेप है पे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो पे एग्जामिनेशन फीस करने के बाद आपका जो है स्टेप 2 ओपन होगा, और इसी स्टेप 2 में आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आप फॉर्म का पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब कि आपके पास जो आपकी जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास SBI ई पे रेफरेंस ID और ऑर्डर नंबर आपको मिलेगा। वो दोनों जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तब आप यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्टेप भी बताए गए हैं कि पहला स्टेप जो है आपने कर लिया, उसके बाद लॉगिन टू आपको लॉगिन करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फीस पेमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगी, देन आपका लास्ट स्टेप होगा आपके रिजल्ट, आपका रिजल्ट एग्जाम देने के बाद। तो सबसे पहले फीस अब देख लेते हैं कि फीस कितनी है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे फीस शो हो जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज़ है, EWS के लिए भी 1500 है, और ये इसमें आपका आई थिंक ये OBC है, NCL कैटेगरी, इसमें भी आपका जो है ये सब गुजरात के लिए, देखिए इनमें आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुजरात के लिए आपका जो है, जो लोग गुजरात से अप्लाई करेंगे उनके लिए ये फीस शो है। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही जाएंगे, आपके 1500 रुपीज़ फीस पड़ेगी। ST कैटेगरी में अगर आप हैं गुजरात से तो आपकी 1000 रुपीज़, SC कैटेगरी से हैं तो आपकी 1000, और अगर आप PH कैटेगरी में हैं PWD, ठीक है, दो आप इसमें आपका PH और VH दोनों ऑप्शन है, दोनों में 1000 1000 रुपीज़ फीस है, यानी कि 1500 और 1000 रुपये इसकी फीस रखी गई है। देन जब आप फीस पे कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया फीस पे करते ही आपको एक SBI ई पे रेफरेंस ID और ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, वो दोनों आप यहाँ डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए पेमेंट किया आपने और आप नहीं ढूंढ, मतलब आपके पास आप नहीं सेव कर पाए आपकी रेफरेंस आईडी, तो आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं, फाइंड ऑर्डर नंबर और SBI पे रेफरेंस आईडी। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर जब यहाँ डालेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे जब क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर आपसे डलवाया जाता है, जो कि एकदम करेक्ट फिल करिएगा, जिससे कि आप अगर आपको रेफरेंस आईडी नहीं मिल पाती है तो आप बाद में उसको फाइंड कर पाएँ। तो ये स्टेप था फॉर्म फिल करने का। 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, 15 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए जिनको भी जो है पीएचडी में एडमिशन लेना है। और मैं आपको साथ में दिखा दूँ किन किन डिपार्टमेंट्स में जो है पीएचडी की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ एंड म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी मैनेजमेंट, तबला, डांस, ड्रामेटिक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी,
स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, सोशल वर्क, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और फार्मेसी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे PhD में सीट्स जो हैं वो आई हुई हैं, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप PhD करना चाहते हैं। ओके, देन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है, इस चीज़ को देख लीजिए कि सच कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डायरेक्टली फॉर द एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर PhD। मतलब आपको आपका एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जो है वो कॉन्टैक्ट करना होगा। ओके, और एक चीज़ उन्होंने ये है एग्जेम्पशन यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने UGC, CSIR, नेट, सेट, गेट, GPAT, DBT, ICMR और JRF होल्डर्स जो लोग हैं उन लोगों को एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। ओके, सिर्फ उन्हीं लोगों को एग्ज़ाम देना है जिन्होंने इनमें से कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया हुआ है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, और फॉर्म आप लोग जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए, आखिरी डेट मैंने बता दी 15 जुलाई है। तो इसी तरीके के न्यूज़ अपडेट्स, वैकेंसीज़ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।